भारत ने एकेडमी अवार्ड्स के अपकमिंग एडिशन के लिए अपनी आधिकारिक फिल्म का चयन कर लिया है। ये फिल्म ना तो RRR है और ना ही द कश्मीर फाइल्स, बल्कि यह एक गुजराती फिल्म है जिसका नाम है छैला शो, द लास्ट फिल्म शो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इस गुजराती फिल्म के चयन के बारे में घोषणा की है। पान नलिन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक आत्मकथात्मक नाटक है और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में इसकी फिजिकल सेटिंग पाई जाती है। गुजरात के अमरेली जिले के लाठी तालुका के अदतला गांव में जन्मे और मूल रूप से नलिन कुमार पंड्या नाम से वे एक चाय विक्रेता पिता के बेटे हैं, जो अमरेली के पास खिजड़िया रेलवे स्टेशन में एक स्टॉल के मालिक हैं। उन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से फाइन आर्ट्स में स्नातक किया, जिसके बाद वे NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में डिज़ाइन सीखने गए। NID में पढ़ते समय नलिन ने 16mm और 8mm कैमरों के साथ मूवी क्लिप बनाना शुरू किया। उन्होंने फिल्मों के अपने जुनून को पूरा करने के लिए भारतीय शादियों में एक वीडियोग्राफर के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां शुरुआत में उन्होंने एक प्रोडक्शन रनर के रूप में काम किया और बाद में कई विज्ञापन फिल्मों का निर्देशन भी किया। नलिन ने 2001 में समसारा के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म ने उन्हें तुरंत ही सुर्खियों में ला दिया था, क्योंकि इस फिल्म को दुनिया भर में खूब सराहा गया था। नलिन अभी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस की प्रतिष्ठित निर्देशक शाखा 2022 के सदस्य हैं। वह इसके प्रतिष्ठित निर्देशक विंग में फ्रेंच एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ सिनेमा के सदस्य भी हैं। अगर बात करें पान नलिन के निर्देशन करियर की, तो उन्होंने छैला शो के अलावा फूलों की घाटी, एंग्री इंडियन गॉडसेस और आयुर्वेदा आर्ट ऑफ बीइंग जैसी अन्य फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।